चैनल और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गुरुवार और हमारा कबर्ड सेट हो गया है, परी का मेरा सब, और सब ये जो पसड़ा यहाँ पड़ा था वो सब हमने रख दिया है सब जगह पे। तो यहाँ पे देखिए, हमने लैपटॉप रखा, हमारा वो कप रखा, यहाँ पे वॉच रखी, हमारी अलार्म क्लॉक है, और कबर्ड में सब आ गया है। और मैंने अंदर से आपको नहीं दिखाया ना, इतना अच्छे से नहीं लगाया क्योंकि अभी मेरे पास और कुछ ऑर्गेनाइजर वगैरह नहीं है, बट ऐसे जस्ट फोल्ड करके रखे, फिर भी दिखा देती हूँ। और आज हमारा गैस भी जस्ट अभी चालू हो गया, तो परी का मैं आपको पहले सेक्शन दिखाती हूँ। तो ये देखिए परी का सेक्शन, ये परी के सारे न्यू कपड़े, देन ये, और ये यहाँ पे अभी सिर्फ डायपर रखे, और कुछ रखना है, और नीचे परी के और कुछ। तो ये वाला परी का मैंने पूरा करा, देन पूरे कबर्ड में मेरे कपड़े भर गए, आज के कपड़े के लिए जगह ही नहीं, मेरे बहुत ज्यादा है। तो अभी भी थोड़ा कुछ करना है, तो ये वाला एक है, देन ये वाला एक है, देन यहाँ पे एक लॉकर है, और यहाँ पे एक ड्रॉअर है, फिर ये वाले सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी साड़ी वगैरह जो नए नए वो रख दिए, यहाँ पे भी कुछ रख दिए, कुछ आगे इसलिए क्योंकि ये यहाँ से उठाना है, बट वो जो एक्स्ट्रा हो रहा था वो मैंने अभी फिलहाल आगे रख दिया है। ये मुझे टॉप का थोड़ा सिलाई वगैरह करवाना है, तो उस अकॉर्डिंग बाद में फिर ठीक करूंगी। तो अभी मेरे पास कुछ ऑर्गेनाइजर वगैरह नहीं है कि मैं उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँ, बट फिलहाल मैंने जैसे कहा फोल्ड करके रख दिए सिर्फ। और परी सोई थी अभी उठे, परी का आप झूले के बारे में बहुत मुझे पूछ रहे, मतलब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट वो पूछ रहे कि हमने परी का झूला कैसे बांधा, वो मैं बताऊं। तो परी का झूला झूला हमने कल ही निकाला क्योंकि अभी परी झूले में मोस्ट ऑफ सोती नहीं है। अभी परी का ऐसा हुआ है रूटीन कि वो दिन में एक ही बार सोती है, तो फिर मैंने ये ट्राई किया कि वो दिन में अगर एक ही बार सोती तो वो पूरा सुबह से दोपहर तक थक जाती है अच्छे से, फिर मैं उसको अगर पास में लेके सुला दूं तो वो सो जाती। तो अभी भी परी सोई थी 2 घंटे से, और अभी उठी, देखी गुड मॉर्निंग, तो जस्ट अभी उठी, अब मुझे लगता है 6 बज गए शायद। और हमारा गैस भी लग गया है, तो गैस भी आज से चालू हो गया है। तो मुझे एक दो लेडीज पूछ रहे थे कि मैं पैन में क्यों खाना बनाती हूँ, तो मेरे इंडक्शन पे सिर्फ पैन चलता था अब तक, इसलिए मैं पैन में बनाती थी, बट आज से मेरा गैस चालू हो गया तो अभी मैं पैन में नहीं बनाऊंगी। मतलब वो पूछ रहे थे कि मैं रोटी और भाजी दोनों एक ही पैन में क्यों करती हूँ, मैं रोटी के लिए तवा क्यों नहीं यूज करती हूँ। तो मेरे पास उस टाइम में वो एक ही था जो मेरे इंडक्शन पे चले, बट अभी मेरे पास बहुत ज्यादा बर्तन है कि जिसमें मैं अलग अलग कुछ बनाऊं, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी गैस पर की रेसिपीज। और झूले का मैं बताऊं, उन्होंने पूछा झूला कैसे अटकाया था, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे वीडियो में बताइए प्रॉपर हो सके तो हमारे ऊपर हुक थे एक्चुअल में, तो आपको पता हार्डवेयर की दुकान में इस शेप वाला ये मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, इस शेप वाला राजू को क्या बोलते हो, इस शेप वाले को कड़ी, हाँ कड़ी मिलती है, तो उसको हमने झूला टांगा था डोरी से रस्सी, और वो रस्सी के अंदर आपको ब्लैंकेट से या मतलब हमारे यहाँ पे पहले गोदड़ी से करते थे, तो आपको वो भी जानना होगा कि वो कैसे लपेटते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपके साथ वो शेयर करूंगी कि वो कैसे लपेटते है रस्सी के अंदर। तो परी उसमें कंफर्टेबल सोती थी, बट क्या हुआ ना अभी क्या बोलते परी को अभी मतलब दिन भर सोने की आदत नहीं रह गई है, तो इसलिए फिर मैंने भी ट्राई किया कि परी का झूला थोड़ा कम हो जाए इसलिए। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई, कल परी का कान कट हो गया था मेरी वजह से, तो मैं आपको एक बात मतलब सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपने बेबीज के कान चुबा रहे तो वो जो आप पीछे से वो जो फोल्ड करते हैं ना वो अच्छे से करवा लीजिए, क्योंकि मेरे ऐसा हुआ परी के कान से खून आ रहा था। तो कल सुबह सुबह हुआ है कि परी बहुत मस्ती करती है, तो सुबह सुबह उठने के बाद हमारी मस्ती चल रही थी, तो मेरे टी शर्ट के किसी एक साइड में धागे से
परी के कान में अटक गया और परी ने खींचा तो परी के कान से खून आने लगा और हमें बहुत बुरा लग रहा था। बट परी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो सिर्फ 2 मिनट तक रोई। तो वो जब उसने खींचा तो मुझे पता चला कि उसको मेरा धागा उसके कान में अटका है, तो मैंने उसको पास में लेके फिर आज ने वो धागा कट कर दिया। तो वो 2-3 मिनट तक रोई क्योंकि उसके कान से खून आया प्रॉपर। फिर हमने उसके ऊपर खोबरेल तेल डाला और उसको थोड़ा सा मतलब हल्का सा हिलाया वो, मतलब कि वो चिपक ना जाए कान का ना, इसलिए खून में वो अगर पैक हो जाएगा तो इन्फेक्शन वगैरह होगा। तो अच्छे से उसको साफ करके खोबरेल तेल डाला, देन उसको मतलब ये किया। तो उसके बाद फिर परी रोई नहीं, बट ऐसा हुआ। तो आप अगर आपके बेबीज के कान चुभा रहे तो उसको पूरा अच्छे से प्रॉपर मतलब वो गोल गोल करवा लीजिए, नहीं तो ऐसा होता है। तो अभी हम भी जाने वाले हैं ना सोनार के पास, तो वो अच्छे से कर लेंगे। और जब परी के कान अच्छे से हो जाएंगे ना, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे से होल हो जाएंगे, तो उसके बाद में परी को ये जो मेरे ऊपर के ना सिर्फ इसमें के सबसे छोटे आते हैं ना वैसे वाले, वो तार वाले डाल दूंगी जो कि अटकेंगे नहीं। क्योंकि मेरे भाई के बेटी के कान में भी ऐसे गोल वाले थे ना पहले जो तार पहनाते, तो उसके भी एक बार अटके थे मेरे सामने, तो वो उसको खून नहीं आया था, वो हमने तुरंत निकाला। तो उसके गले की इसमें अटका था, वो हम गले में कुछ ना कुछ डालते हैं ना तो उसमें अटका था, तो फिर वो हमने तुरंत निकाल दिया। बट ऐसा अटकता है तो आप ये मतलब क्या प्रिकॉशन लीजिए पहले से। और एक बात, परी के गले में वो येलो कलर का कुछ है ये वाला, तो मुझे वो एक पूछ रहे थे कि आपने ये कहाँ से लिया, तो ये मुझे नासिक से मेरी मौसी ने भेजा है, ये स्वामी समर्थ के मठ में मिलता है। मुंबई में वो पूछ रहे थे कि दादर के मठ से लिया क्या, तो मुझे नहीं पता मुंबई में कहाँ मिलता, और मुझे पता भी नहीं था ये क्यों पहना था, ये भी नहीं पता था। मैंने इसके बारे में पहले भी एक बार शेयर किया आप लोगों के साथ, तो घर वालों ने भेजा था तो मैंने पहना गया, वो थाईलैंड में मैंने पहना था उसके गले में। तो हमारे घर में मोस्ट ऑफ सारे बच्चों के गले में रहता पहनाते हैं, तो फिर परी के लिए भी भेज दिया था तो मैंने पहना दिया था। तो वो स्वामी समर्थ के मठ से लिया था, ये इतना ही मुझे पता है, बाकी नहीं पता। वो नासिक से भेजा था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी अज्ञास, और आज शाम का खाना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं खाना बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। चल परी ऐसे तू, और परी ये बेड से आज 2 बार गिरी क्योंकि वो इसका आगे से वो हाइट हो गई है ना, और परी को अभी ज्यादा थी कि वो नॉर्मली चलती थी तो इस वजह से वो रांगती थी, इस वजह से वो 2 बार गिरी। राज 2 मिनट इसके बाद ध्यान दो ना, थामा परी है उनको थाम थाम बबड़े। तो ये देखिए हमारा गैस लग गया है, जो कि आप लोगों को कब से जानना था मेरा गैस कब आएगा, फाइनली आ गया। और इसकी कड़ी बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप देखिए पूरी तरह से ये प्रॉपर कड़ी मतलब एक ही स्टैंड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब भी जैसे हमने उसके ऊपर दूध ये किया क्योंकि जस्ट अभी गैस फिटिंग हुई, तो आपको पता ही होगा हमारे में ऐसा करते, मुझे नहीं पता सब में करते कि नहीं, जो भी आपके पास नहीं मतलब सॉरी आप नए घर में जाते हो तभी ये आपके पास अगर गैस आते उस टाइम पे आपको गैस के ऊपर पहले दूध मतलब क्या गिराना होता है, या अगर आप नए घर में शिफ्ट होते हो तो उस टाइम पे भी दूध गिराना होता है, वो अच्छा होता है शायद इसीलिए। तो फिर हमने भी वही किया, दूध उबल रहा था तो उसके ऊपर हमने थोड़ा सा गिरने दिया ताकि हमारे मतलब क्या बोलते भट्टी की शुरुआत हो गई, तो वही हुआ। और आज शाम को आज सुबह मैंने बनाया था आलू मटर की भाजी और चपाती, शाम को क्या बनाऊंगी पता नहीं, तो चलिए देखते कुछ बनाते। राज ने पालक कट करके रखा है तो शायद पालक बनेगा पर पता नहीं। रोटियां वैसे मैंने सुबह ज्यादा बना के रखी थी। और एक बात मैंने क्या किया पता, मेरे जो चम्मच थे ना वो मैंने ऐसे लटका है ये साइड और सामने की साइड में, बट ये पूरी तरह से नहीं, ये इसके में और मुझे कुछ इन्वेंशन करना है, वो क्या वो मैं आपको पूरा होने के बाद बताऊंगी, क्योंकि आपको अभी फिलहाल दिखा नहीं, तो ये भी मैं अभी नहीं दिखाती आपको, वो दिख गया तो आप ऐसा मत समझिए कि मैंने ये क्या ऐसा लटकाया है, बट ऐसा नहीं है, ये क्या इन्वेंशन है वो मैं पूरा होने के बाद आपको बताती हूँ आगे, बट अभी इसको इग्नोर कीजिए फिलहाल के लिए।
तो ये देखिए, आज आपको मेरे घर में पहली बार गैस दिखा होगा ना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो बस वही, तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद।